बड़े को प्रणाम, छोटे को हाय, और मेरे वाले को क्या हाल चाल है मेरे भाई। तो नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ स्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर से मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हो अभिनव ब्लॉग। तो हर बार की तरह इस बार भी ब्लॉग करने के पीछे एक रीज़न है। ऑब्वियसली बिना रीज़न का तो कोई ब्लॉग होता नहीं है, और बेतुका ब्लॉग करने की आदत मुझे है नहीं। तो आज ये ब्लॉग करने का रीज़न ये है कि हमारे रांची शहर में एक ब्लॉगर है रंचाइत आकर्ष नाम के। तो क्या करते हो आप जब आपको मालूम चलता है कि आपके शहर में एक ब्लॉगर है, वो भी आपके एज सर्कल का, तो ऑब्वियसली आप उससे मिलोगे ना। तो मैं भी उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हम दोनों ने कल रात को बातचीत की, और आधे घंटे की बातचीत में हमने फाइनल कर लिया, डिसाइड कर लिया प्लेस कि हमें मिलना चाहिए, हमें एक ब्लॉग शूट करना चाहिए, जो भी ब्लॉग के लिए नहीं तो फिर भी कम से कम पर्सन एक दूसरे को जानने के लिए। तो लो मैं आ गया यहाँ पे हटिया स्टेशन के सामने, क्योंकि उसका घर यहाँ बगल में ही है। और आकर्ष का अगर आप YouTube चैनल देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वेट कर रहे हैं उसका, उसने कॉल किया अभी, बोला 5 मिनट में वो आ रहा है। तो जब आकर्ष आता है तो मिलवाते हैं उससे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई समाप्त और आपके सामने है आकर्ष। तो ये वही है जिससे मैं मिलने आने वाला था। और पहली बात तो ये कि हमारे रांची में, जो हमारे झारखंड या बिहार में ब्लॉगर की बहुत सारी कमी है। Exactly. तो हम लोग जब देखते हैं यूट्यूब पे कि हमारे एज सर्कल का, हमारे बीच का एक ब्लॉगर या फिर यूट्यूबर है, तो सबसे पहले मन में क्या ख्याल आता है, चलो यार मिलते हैं, बातचीत करते हैं। Exactly. और सबसे पहला बात तो इनको मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी दो दिन पहले आकर्ष भाई ने नई बाइक ली है, पल्सर 125 cc। तो यहाँ पे मैं आया हूँ उसका स्पेसिफिकेशन बताने के लिए आपको, और उसका रिव्यू करने के लिए, और इनके साथ भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगा। एक बात मैं ऑनेस्टली बता सकता हूँ, मैं चाहता तो अपनी बाइक पे रिव्यू कर सकता था, बट इस बंदे के पास जो एक्सपीरियंस है मेरे पास दूर दूर तक नहीं है। यार अब देखो, बात ऐसी है कि मैं अपनी बाइक का स्पेक्स रिव्यू बनाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि नई बाइक ली, कंटेंट चाहिए रहता अपने लोग को, बट इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो भी रिव्यू मिले ऑनेस्ट रिव्यू मिले। बंदे ने इंटरनेशनल राइड कर ली है प्लेटिना पे 110 cc की बाइक पे, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज पे। आई हैवंट सीन एनी पर्टिकुलर पर्सन जो कि रांची में या फिर इंटायर झारखंड में जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, एंड भाई बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। तो अभी जो भी रिव्यू मिलेगा ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। तो रिव्यू मिलेगा आपको, पहले हम आपस में खुद कुछ बातचीत कर लेते हैं। ज़्यादा जरूरी है वो, ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा जितना अच्छा रिलेशन हम लोग का बनता है वो ज़्यादा जरूरी होता है। कैमरा पे तो होते ही रहेगा, फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा ही। तो जल्दी से एक बार मैं आपको बाइक का लुक दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बाइक के बारे में बात करूँगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी एक हो गया कुछ कांड ऐसा, भाई ने अपना मेमोरी कार्ड घर पर छोड़ दिया, तो चलते हैं इनके घर पहले। बेस्ती वाली बात नहीं भाई, होता है, ह्यूमन है, ह्यूमन एरर होते रहते हैं शहरों में, छोटी छोटी बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती है, मतलब समझ लो यार। तो बाइक दिखाता हूँ मैं आपको, कौन सी बाइक है। तो चलते हैं इस बाइक की टेस्ट ड्राइव करते हैं, और मिलते सीधा आपको अब मोटर ब्लॉग के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं इस बाइक की, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी की टेस्ट ड्राइव, और बताते हैं आपको अपना पहला एक्सपीरियंस। जी भाई लोग, बैठ गया मैं इस बाइक के ऊपर, और यार काफ़ी एग्रेसिव पोजीशन है इसका हैंडलिंग का। यहाँ पे किल स्विच भी दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है इस बाइक में मुझे लगी, कि 125 cc में आपको यहाँ पे किल स्विच मिल जा रहा है, आपको और क्या चाहिए। तो बाइक हो गई स्टार्ट, और एग्जॉस्ट का आवाज़ तो आप सुन ही सकते हो। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। और जहाँ तक मुझे पता है ये अपने सेगमेंट में 125 सेगमेंट में काफ़ी पावरफुल बाइक है, क्योंकि इसमें 11.6 का टॉर्क दिया गया है। आप समझ सकते हो 11.6 का टॉर्क क्या होता है, और आकर्ष भाई मेरा बाइक चला रहा है उधर 11.6 टॉर्क, यार 125 cc बाइक में, कम ऑन यार, मजाक थोड़ी हो रहा है। और हैंडलिंग भी मुझे अभी तक काफ़ी अच्छी लग रही है, और ये अभी मैं एक नंबर गियर में ही हूँ, और ये 20-25 की स्पीड। डिजिटल इंडिकेटर आपको मिल जाता है यहाँ पे, वैसे गियर इंडिकेटर तो नहीं है आपको यहाँ पे, फ्यूल इंडिकेटर है आपको यहाँ पे, स्पीडोमीटर दिया गया है, और फिर आपको एक यहाँ पे RPM मीटर दिया गया है। ओ माय गॉड, क्या आवाज़ है, क्या पिकअप है बाइक की। ब्रेकिंग भी काफ़ी लाजवाब लग रही है मुझे अभी तक तो। गॉड, जहर है भाई, जहर, मजा आ गया।
और ये बस दो दिन पुरानी बाइक है, बस दो दिन, और काफ़ी अच्छा इंप्रेस कर दिया मुझे इसने पहली नज़र में ही, काफ़ी अच्छा। तो अब बात करते हैं इस बाइक के माइलेज के ऊपर। तो कंपनी क्लेम करती है 55, लेकिन आकर्ष ने मुझे बताया कि उसे इस बाइक से लगभग 50 की माइलेज मिल जा रही है, वो भी विदाउट सर्विसिंग, क्योंकि अभी ये फ्रेश बाइक है, अभी स्टॉक से बाहर ही निकली है, अभी शोरूम से बाहर। काफ़ी मज़ा आ रहा है यार इस बाइक को चलाने में, मतलब ऐसा फील आ रहा है जैसे मैं पल्सर 180 चला रहा हूँ, क्योंकि सेम लुक है भाई, लुक में कोई चेंज नहीं है, हम सकल है बिल्कुल दोनों एक दूसरे का, बस अंतर ये है कि ये 125 cc है और पल्सर 180 cc है। बात करते हैं कलर की, तो कलर इसमें डार्क कलर यूज़ किया गया है, जैसे कि ये काफ़ी इको फ्रेंडली बाइक है, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर की बहुत कम वेस्ट हुई होगी इसको पेंट करने में। काफ़ी शानदार पिकअप है भाई साहब, काफ़ी शानदार पिकअप है इस बाइक की, जो 125 cc में इतना तगड़ा, इतना शानदार पिकअप, मानना पड़ेगा बस पल्सर को यार, बजाज को, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। फोटोग्राफी में तो मैंने आप लोगों से बात कर ही लिया, लेकिन अब टाइम है फेस टू फेस बात करने की। तो ऑब्वियसली मैं इस बाइक के बारे में बताऊँ तो फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे लगा, अगर ये जो 125 का लोगो है यहाँ पे, अगर इसे मैं हाइड कर देता हूँ तो आप बता नहीं पाओगे ये 125 है या फिर ये 180 है। बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। इंजन काफ़ी दमदार दिया गया है, सेम प्लेटिना का इंजन तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये 125 है और मेरा प्लेटिना 110 है, लेकिन लुक काफ़ी वाइज सेम है। ट्विन स्पार्क इंजन आपको मिल जाता है यहाँ पे, 6500 का टॉर्क है इसमें और करीब 8500 की पावर इस बाइक में, तो पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट और काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दिया गया इस बाइक में। और बात करते हैं टायर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर फ्रंट में आपको यहाँ पे 80/100 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और चलते पीछे वाली टायर के बारे में बात करते हैं, तो बात करते हैं पीछे वाली टायर के बारे में। तो पीछे में आपको यहाँ पर काफ़ी चौड़ा, काफ़ी अच्छा टायर मिल जाता है, 90/100 का टायर है ये, और ये भी ट्यूबलेस है। अड़ी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है, होती है इंजन, दूसरी होती है ब्रेकिंग। तो बात करते हैं ब्रेकिंग के बारे में, तो पल्सर 125 में आपको यहाँ पे पीछे में ड्रम ब्रेक मिल जाता है और आगे में आपको डिस्क ब्रेक, और इसका जो मैकेनिज्म है वो सेम मेरा प्लेटिना के जैसा है। तो जो लोग मेरे प्लेटिना के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको मैं बता दूँ, अगर आपको मेरा प्लेटिना का रिव्यू देखना है तो आपको आई बटन में कहीं पर तो आ रहा होगा लिंक, आप जाके देख सकते हो। और मैकेनिज्म मैं समझा दूँ इसका, तो मैकेनिज्म इसका सेम प्लेटिना के जैसा है और सेम लुक भी दिया गया है यहाँ पे। ये जो बॉडी देख रहे हो, ये बॉडी पार्ट सेम वर्क करती है मेरे प्लेटिना की तरह, कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसके पीछे वाले ब्रेक को यूज़ करता हूँ, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक आगे वाला ब्रेक भी आपका यूज़ होता है। तो ये प्लेटिना का और पल्सर का दोनों सेम है, और बजाज ने इसे नाम दिया है CBS के भाषा में कहा जाए तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। 90/100 की स्पीड में भी मैं इस बाइक पे अगर ब्रेक लगा रहा हूँ तो काफ़ी स्मूथ और काफ़ी कम टाइम में जा करके मेरा बाइक रुक जा रहा है। और टेल लाइट के बारे में बात की जाए अगर, तो टेल लाइट यहाँ पे आपको LED मिल जाती है। यही है कुछ बाइक की स्पेसिफिकेशन, और टेस्ट ड्राइव तो मैंने आपको करके बता ही दी अपना फर्स्ट लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा कोई भी रीज़न से यार, मेरा चेहरा ही अगर पसंद आ गया हो या फिर ये बाइक भी पसंद आ गया हो, तो आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो और भी ज़्यादा पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और डिस्क्रिप्शन में आकर्ष बाइक का चैनल का लिंक दिया हुआ है, जा करके एक बार इसके चैनल को भी देख लो, काफ़ी अच्छा व्लॉग वो भी बनाता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और बाय बाय। ओके, तो काफ़ी देर बात करने के बाद हम आए यहाँ पे, कोई रेस्टोरेंट है ब्लेंड्स एंड ब्रूज नाम का, तो आकर्ष भाई के साथ हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि आकर्ष भाई के साथ मेरा कुछ खिचड़ी पकड़ा है, खिचड़ी पकड़ा, आप समझो खिचड़ी क्या होता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जाके आप देख सकते हो कि क्या क्या बातचीत हमने की, क्योंकि अभी काफ़ी देर से हम बातचीत करते हैं, अभी आधा घंटा से, और अभी पता नहीं कितना देर और बातचीत करेंगे। तो दोस्तों यही कहना था आपको, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं रिटेक ले रहा हूँ, तो आप समझ जाओ, डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर चेक कर लेना, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बस यही कहना था आप लोगों को, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में जरूर से, बिकॉज इस बंदे की पूरी लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, ये खुद से बताने वाला है, तो एक बार मेरे चैनल पे विजिट करो, मैं सब्सक्राइब करने नहीं बोल रहा, नहीं नहीं मैंने पहले बोल दिया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इसका भी चैनल का, आप जरूर जाकर चेकआउट करें इसे। चलिए धन्यवाद।